सामाजिक मूल्य नाही आणि संविधानिक मूल्य सुद्धा केवळ प्रत्येकी माणसं त्याचाही आभ राखत नाही सरकार मनमानी करणार. म्हणून तो कायदा सुव्यवस्था कुठे आहे होणार आहे का कायदा सुव्यवस्था. काल परवाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीवरनं बघा ना कशा त्याच्या पत्र 24 तासात 2-3 ऑर्डर निघतायत त्यावरून आपण समजून गेलं पाहिजे कायदा सुव्यवस्था कुठे आहे. त्यामुळे अतिशय हे जेवढ्या लवकर जातील तेवढं महाराष्ट्राचं भलं होईल एवढं त्या निमित्ताने. पाऊस पडला आहे 2 दिवस महाराष्ट्रावर असं शेतकऱ्यांना जाहीर करावा का सर असं बघा सरकार आम्ही विरोधात बोलणार नाही. अवकाळी पावसाने निश्चितपणे काही ठिकाणी नुकसान होणार बागायती शेतींचं सुद्धा नुकसान होईल पण त्याचा पहिल्यांदा आढावा घेतला गेला पाहिजे आणि आढावा घेऊन निश्चितपणे नुकसानाचं प्रमाण किती आहे तेव्हा सरकारनं उभंच राहिलं पाहिजे. आधी शेतकऱ्यांची वाट लागलेली आहे बिचारा उद्ध्वस्त होतोय त्यातून कुठेतरी आशेचा किरण करून उभा राहावा. आंबा चांगला आलाय संत्री आता चांगली द्राक्षे येतील अशा अपेक्षेने उभा राहायचा मोहर झडला किंवा आंब्याला आलेली फळं छोटी पटपट पडली तर मग प्रचंड नुकसान होईल असेल आणि म्हणून त्याचा अभ्यास त्याचा निश्चितपणे सर्वेक्षण करून त्याची माहिती घेऊन मग त्यावर बोलणं घेऊ. विधान परिषद आमदारांचा जो आपण हे टाकलं होतं अपात्र व्हावे या संदर्भात अशी माहिती समोर येते की जो विधानसभेतील कालावधी चालू आहे सुनावणीचा तो जर एवढा वेळ लागत असेल तर ज्या विधान परिषदेतील आमदारांवर टाकलाय त्यांचा कार्यकाल आज 4-5 महिन्यात संपणार आहे त्यामुळे त्यांची सुटका होऊ शकते काही आहे निश्चितपणे काय करणार नाही ते लोक. हे विधानसभा अध्यक्ष सुद्धा विधान परिषदेचे जे गेलेत ना ते काय म्हणजे आश्चर्य वाटतं की महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला काळीमा लावणारी माणसं सगळी म्हणजे अर्थात छत्रपती शिवरायांच्या वेळी सुद्धा गद्दार होते फितूर होते हे सगळं तेव्हाही घडलेले आहे. दुर्दैवाने इतिहासाची पुनरावृत्ती परत तशीच होत राहते. सर हिंदी में बताइए सर महाराष्ट्र में ओबीसी वर्सेस मराठा की स्थिति पैदा होगी लगातार भड़काऊ बयान दिए जा रहे मंत्रियों की तरफ से क्या कहना. मुझे लगता है बहुत दर्द भरी बात है व्यथा है हमारी. आरक्षण मांगना हक है मांगने में कोई गलत नहीं है उनको मिलना चाहिए लेकिन जिस तरह से आप लोग ये जो लड़ाई मराठी लोगों के अंदर लग रही है वो मुझे हमारा दर्द है क्योंकि वंदनीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने जिन्हें जब शिवसेना निर्माण की थी तब एक विचार दिया था वो विचार बहुत बढ़िया था देश के लिए भी है. ब्राह्मण गैर ब्राह्मण मराठा गैर मराठा शाणव कुलवान 92 कुलवान उच्च नीच दलित दलित गैर दलित स्पृश्य अस्पृश्य सारे भेद गाड़ दो और मराठी करके महाराष्ट्र के भूमिपुत्र करके सभी इकट्ठे हो जाओ. ये उनकी विचारधारा थी. आज हम दुर्भाग्यवश जाति पाति में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे उसमें बड़ा बड़ी राजनीति है क्योंकि महाराष्ट्र को जो लूटा जा रहा है उस लूटे जब वो लूट रहे हैं तब रस्ते पे आने की क्षमता रखने वाले सारे लोग हैं उनको आपस में लड़ा रहे तब तक अपना लूट का चालू रखेंगे. गुजरात में सब उद्योग लेके जाएंगे गुजरात के लिए सब कुछ करेंगे महाराष्ट्र के विकास के लिए कुछ नहीं करेंगे वो लूट तो चालू रहेगी. लड़ो आप आपस में यही तो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की यही उनका हिंदुत्व है. शर्म आती है. मराठी साइन बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया लेकिन अभी कई जगहों पर साइन बोर्ड नहीं लगाया. देखो भाई कानून अपने जगह पर है कानून का सम्मान करना यही तो हर एक का कर्तव्य बनता है वो कोई भी हो नहीं. जो लोग मराठी भाषा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए वो कौन है वो भी तो ध्यान में रखना वो भी तो ध्यान में रखो. जो राज्य में रहकर राज्य की राज्य भाषा का सम्मान करना नहीं चाहते हैं वो भी तो ध्यान में रखो. फिर समझ में आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्याय निर्णय दिया उसका अमल करना हर एक का कर्तव्य होता है. वहां तक गए ना अब न्याय का सम्मान करो. सर अजय मिश्रा टीवी एमओएस होम ने कहा है कि सीए हर हाल में लागू होगा मार्च 24 तक हमने डेडलाइन रखा है. आपको लगता है चुनाव के ठीक पहले तब तक तो चुनाव घोषित हो जाएंगे. बस यही तो डर पैदा करना है. आप देखिए हर एक चीज को कल परसों यहाँ एक एक हादसा हो गया छोटा सा उसको लेकर वहां महाआरती शुरू हुई. अब मंत्री महाआरती करने के लिए खड़ा क्यों क्या करना क्या चाहते हो तुम. हिंदू मुस्लिम दंगे चाहते भैया जानते हैं कि हम भारत के नागरिकों के जनता के मूल प्रश्नों को उसका समस्या को निराकरण नहीं कर पाए हम असफल रहे तो यह असफलता अगर झांकनी है तो उसके लिए इनको ये अफवाह जो है ना वो अफवाह दे देना धर्म की लड़ाई करो और फिर हिंदू मुस्लिम मराठा ओबीसी लड़ते रहो बस अब अपना राज करते रहेंगे. सत्ता सत्ताकरण के लिए जहर फैलाने वाली भाजपा पार्टी देश में इतना ध्यान. एक आखिरी सवाल सर मेरा सर सर एक सवाल कि यहाँ पर आप लोग से अलग होने वाले शिंदे गुट और अजीत गुट को सिर्फ 22 सीटें देने की बात जो है बीजेपी कर रही कैसे देख रहे हैं. अरे 22 में भी कितने रहेंगे पता नहीं है. सब सबके रंग बदल जाएंगे. गुलामों की कोई होती है क्या. गुलामों का कोई स्वाभिमान होता है क्या. गुलामों को गुलाम गुलाम होता है देता है वो ले ले टुकड़ा. हिटलर की याद है ना मुर्गी हाथ में लेकर उसके एक कहानी बताते हैं पंख उसकी छेड़ निकाल रहा था मुर्गी को दर्द हो रहा था पंख छेड़ा निकाल दिया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स टकाक 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 दर्द हो रहा है बाद में फेंक दी नीचे और फिर दाना फेंकने लगा ले मंत्री पद ले हमारे पार्टी में आ जा दाना खाते खाते मुर्गी हिटलर के पीछे चलती रही वही तो हो रहा है इधर.